रोजगार वीजा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा गौट मेहता और आज हमारे साथ वीजा लाइव में एक्सपर्ट मौजूद हैं प्रदीप बालियान जी जो कि वेस्टर्न ओवरसीज से हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है वीजा लाइव में और जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगी अगर आप हमारे एक्सपर्ट के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है आप उसे डायल कर हमारे एक्सपर्ट के साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ सबसे पहले मैं ये भी बता दूँ कि प्रदीप बालियान जी जो हैं वो थर्सडे को अम्बाला है, वेडनेसडे को अम्बाला है यानी कि कल अम्बाला है, माफ़ी चाहूँगी, और वेडनेसडे को जालंधर है और थर्सडे को फिर चंडीगढ़ है और फिर फ्राइडे को जालंधर है। तो ये शेड्यूल रहेगा और साथ साथ बता दूं कि 11 से 1 कल जो है चंडीगढ़ ऑफिस में प्रदीप बालियान जी के सेमिनार आयोजित हो रहा है। तो लिबर्टी यूनिवर्सिटी आ रही है जो कि वर्जीनिया में और कम्युनिटी कॉलेज ऑफ स्पोकन जो कि वाशिंगटन में है, तो ये दोनों कॉलेज और यूनिवर्सिटी आ रहे हैं आप सबके लिए सेमिनार लेकर। तो जो भी सेमिनार में आना चाहता है, अटेंड करना चाहता है, तो वो आ सकते हैं बालियान जी के चंडीगढ़ ऑफिस में। लेकिन साथ साथ और मैं बता दूं कि जालंधर में नया ऑफिस जो खुला है प्रदीप बालियान जी का वो जीआई बिजनेस सेंटर के पास है और नरेंद्र सिनेमा की बैक साइड में है। तो जो जालंधर ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं बालियान जी से, तो वो वहां जाकर मिल सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि एजीआई बिजनेस सेंटर नरेंद्र सिनेमा की बैक साइड में। तो यहाँ मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, साथ साथ हमारे कॉलर भी जुड़ गए हैं। बालियान जी स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं राजस्थान जोधपुर से बोल रहा हूँ जी। कौन बोल रहे हैं? मैं धर्म सिंह बोल रहा हूँ जी। जी धर्म सिंह जी, स्वागत है थोड़ा, प्रश्न पूछो। मैम मेरा निवेदन है कि मेरी बच्ची जो है वो यूएस गई है, उनके हस्बैंड का पोस्टिंग हो गया वहाँ। आपकी बेटी जो है यूएस गई हुई है? हाँ, एरिजोना में। ओके, है ना। तो मुझे बेटी को मिलने जाना है, मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मेरी टेक्निकल जो हमारा जो स्टाफ है मेरी उससे गुजारिश है कि टीवी स्क्रीन का जो वॉल्यूम है हमारे तक जो आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है उसको अप कर दिया जाए। जी धर्म जी। हाँ, तो मुझे जो है वीजा अप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा मेरी बेटी से मिलने जाने के लिए? जी देखिए, मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पर है। ठीक है जी, लिखिए। एक्चुअली वैसे आई एम नॉट द ऑथराइज पर्सन फॉर द सेम थिंग इज दैट वी आर स्पेशलिस्ट फॉर स्टूडेंट वीज़ा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। आप एम्बेसी की साइट से भी यही डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं और जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो आपकी बेटी वहाँ पढ़ रही है तो यूनिवर्सिटी से आपको एक लेटर लिखवाना पड़ेगा कि भाई आपकी बेटी सो एंड सो यूनिवर्सिटीज में और ये कोर्स कर रही है और सक्सेसफुली इसको कम्प्लीट कर रही है और इसके पेरेंट्स आपका नाम आएगा उसमें कि वो मिलना चाहते हैं, तो एम्बेसी के नाम ये लेटर होगा कि और उनको वीज़ा दिया जाए। एक तो ये इनविटेशन लेटर आपको चाहिए। सेकंडली, आपकी बेटी का पासपोर्ट फ्रंट से लेके एंड तक जहाँ जहाँ वीज़े लगे हैं प्लस पूरा पेज, मतलब फ्रंट से लेके एंड तक सारे पेज चाहिए। इसके अलावा जो जहाँ उनका एडमिशन हो रखा है वो ऑफर लेटर चाहिए और जो उनकी जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो अगर मंगा लोगे तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज ये तीन डॉक्यूमेंट वहाँ से चाहिए। एक तो इनविटेशन जो मैंने बोला कॉलेज यूनिवर्सिटी की साइड से, एक उसके पासपोर्ट का फ्रंट से लेकर एंड तक सारे पेज प्लस में क्या नाम है जो उसका क्या नाम है दिमाग से निकल गया क्या कह रहा था मैं एक तो आपका एक ऑफर लेटर चाहिए और अगर जहाँ वो रह रही है उसका अकोमोडेशन का रेंट एग्रीमेंट भी मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। चार डॉक्यूमेंट वहाँ से आपकी तरफ से, यहाँ से आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपके अकाउंट में होने चाहिए 7-8-10 लाख रुपए और आप जहाँ से रिटायर्ड हैं वो रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट, आपकी ITR या फॉर्म 16 जो भी थे वो लगेंगे और इधर से आपको इन्विटेशन जो आया उसके बिहाफ पे आपको यहाँ से अपना क्या नाम है आपने DS-160 फॉर्म एक फॉर्म भरना है। इसके साथ साथ आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, तब आप अपनी फाइल एम्बेसी में जा सकते हो इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ से चार डॉक्यूमेंट है प्लस में यहाँ से अपने फाइनेंशियल प्लस में क्या नाम है आपके जो प्रॉपर्टी वॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वो प्लस में बैंक स्टेटमेंट ये सारे लगाओ, DS-160 फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद अपनी एक्सिस बैंक में आप फीस जमा करा दो, तकरीबन $160 है जो कि 11-12 हज़ार रुपये बनती है। अपॉइंटमेंट मिलेगी, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपसे सिंपल क्वेश्चन होंगे कि आप क्यों मिलने जा रहे हो और आपकी बेटी कहाँ पढ़ती है और वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये सिंपल से क्वेश्चन होंगे, आपको वीज़ा मिल जाएगा। चलिए धर्म जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी मैम, मैं सावन बोल रहा हूँ अमृतसर से जी। जी सावन जी स्वागत है। हाँ जी मैम, मैंने कनाडा की स्टडी वीजा बारे पूछना था जी। ओके, क्या पूछना है आपको?
मैंने बीकॉम की है जी, रिसेंट 2016 में। ओके आपने आइल्स किया है बॉस? हाँ जी हाँ जी सर, मेरे 6.5 बैंड है इन ईच मॉड्यूल। 6.5 एंड नो लेस देन 6 है? हाँ जी, हर मॉड्यूल में 6.5 ही है। गुड ग्रेट। परसेंटेज कितनी है आपकी 2000, ये अपनी जो बीकॉम हुई है 2016 में? 64। कितने? 64। ठीक है। देखिए आप क्या यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, कॉलेज में जाना चाहते हैं? कॉलेज सर, कॉलेज। ठीक है, देखिए एसपीपी में अप्लाई किए करिए, स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम में 47 कॉलेजेस हैं जिसमें 44 कॉलेज और 3 यूनिवर्सिटी हैं। पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस आप ले लीजिए, बेटर रहेगा। अदरवाइज आप यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं, कॉलेज में जाना चाहते हैं, पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस आपको सूट करेगा। 6.5 एंड नो लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट है आपकी, वो फुलफिल है। $12,000 से लेके $15,000 साल की फीस है, जिसमें से आपने 6 महीने की पे करनी है, अप्रोक्स 3.5 से 4 लाख रुपए, तकरीबन $7,500 जो आपने पे करना है। प्लस में $10,200 का GIC लेना है, मतलब नोवा स्कोशिया और ICICI बैंक में आपका अकाउंट ओपन होगा कनाडा में, और उसमें ये $10,200 तकरीबन $5,40,000 पे ट्रांसफर होंगे। मई इनटेक है सर अपना, फाइल जितना जल्दी लगाओगे उतना वीज़ा आएगा, आपकी फाइल टोटली पॉजिटिव है, यू विल गेट वीज़ा। बिल्कुल सावन जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो मई इनटेक को लेकर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी भी अपनी फाइल दबाकर बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए मई इनटेक बॉस बहुत छोटा है, जो भी स्टूडेंट्स जाना चाहता है अपना कनाडा में, तो 3 इनटेक है, जैन मई और सितंबर। जैन इनटेक तो जा चुका है, मई इनटेक की भी सीटें धीरे धीरे फिल हो रही है, क्योंकि ये सबसे छोटा इनटेक होता है, सब सारे कॉलेजेस के पास सारे कोर्सेज नहीं होते, सिलेक्टेड कॉलेज सिलेक्टेड कोर्सेज होते हैं, और नॉर्थ इंडिया में क्या पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आज की डेट में कनाडा में बच्चे जा रहे हैं। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जितना जल्दी आप अपनी फाइल लगाओगे उतना जल्दी बेटर रहेगा। मे बी आप लास्ट में फाइल लगाओ तो मे बी आपको ना तो ऑफर लेटर मिलेगा और आपके हो सकता है रिजेक्शन के भी चांसेस रहेंगे, क्योंकि जितना जल्दी आप ऑफर लेटर मंगाओगे इट मींस आपकी सीट सिक्योर होगी, और इतनी जल्दी आप फाइल लगाओगे वीजा चांसेस हाई। बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर जुड़ रहे हैं, स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी, जी सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हैं? मैं गुरजीत सिंह बोल रहा हूँ पटियाला से। जी गुरजीत जी, स्वागत है तुम्हारा, प्रश्न पूछो। सर आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा लाउडली आप बोलेंगे गुरजीत जी। मैम कल ना मैंने फीस पे करनी है और GIC अकाउंट का भी पे करना है कल। ओके कनाडा वीजा बारे। ठीक है, मैं पूछ सकता हूँ कि 30 नवंबर से पहले मेरी फाइल लग जाएगी? 30 नवंबर से पहले की बात कर रहे हैं सर, 1 दिसंबर से पहले आपने फाइल लगानी है, तो आप जितना जल्दी, आप इतना लेट हो रहे हो, वैसे लेट हो आप थोड़े से, बट कोशिश करो जितना जल्दी आप पे कर सको, कल की डेट में आपका ये काम फिनिश हो जाना चाहिए, क्योंकि कॉलेज तो हो सकता है 3-4 दिन में आपको फी रिसिप्ट दे दे, लेकिन जो GIC है वो 5 to 7 वर्किंग डेज में आती है, तो इन मेन टाइम अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लो, फाइल प्रिपेयर कर लो, फाइल प्रिपेयर हो जाएगी, उधर से रिसिप्ट अपने कंसल्टेंट को बोलो जल्दी से जल्दी आपकी फी रिसिप्ट मंगाए, अपनी जल्दी से जल्दी आपकी GIC मंगाए, और 1 दिसंबर तक आप अपनी फाइल लगा लो, चांसेस पूरे हैं। जी गुरजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, साथ साथ एक और कॉलर जुड़ गए। मैं अपनी, मेरे को लगता है कि मैं आपसे प्रश्न पूछ ही नहीं पाऊंगी। स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी, स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? हमारी आवाज आप तक कम पहुंच पा रही है जी, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आपकी आवाज हम तक रिपीट आ रही है, तो आप अपने वॉल्यूम या तो कम कर लीजिए या फिर साइड हटके बात कीजिए अपने टीवी के पास से। जी सर, अपने पहले सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मैम मनिंदर सिंह नाम है मेरा। मनिंदर जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी क्या पूछना चाहते हैं? मैम मैंने KPU यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है ऑफर लेटर वास्ते, मई इनटेक का। क्वाटलन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी? हाँ जी सर। जी सर, उसके लिए मेरे बैंड आए हैं 6 आए हैं ओवरऑल, और नॉट लेस देन 5.5 बैंड। 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है बॉस, आप इम्प्रूवमेंट करो। हाँ जी सर, इम्प्रूव करो, 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की। मैंने प्लस टू किया है। हाँ 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है, आप इम्प्रूव कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैंकूवर में कॉलेजेस बहुत है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इधर उधर होना पड़ेगा, पॉसिबिलिटीज बहुत है। VIU वैंकूवर आइसलैंड यूनिवर्सिटी है, आप उसमें अप्लाई कर लो, उसमें हो जाएगा 6 बैंड पे। इसके अलावा थोड़ा सा ऊपर, सर
VIU वैनकूवर आइसलैंड यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। और कई कॉलेज हैं यहाँ पे नियर बाय हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हटके मिलेगा, बट आप पर्टिकुलर एक ही लोकेशन लोगे तो मे बी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा सा आसपास कर लो बेटर रहेगा। बिल्कुल मनिंद्र जी शुक्रिया। साथ साथ नेक्स्ट कॉलर प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी, स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी मैम, मैं राहुल बोल रहा हूँ जी, जलंधर से जी। क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी मैम, मैंने ना बीकॉम की है तो मैंने सर से पूछना था, मैंने ऑफर लेटर मंगाई है नॉर्दर्न कॉलेज की। ओके, ओके नॉर्दर्न लाइट कॉलेज, नॉर्दर्न लाइट कॉलेज पीजी में। ठीक है जी, किचनर। तो सर मैंने पूछना था कैसा है कॉलेज। बढ़िया है जी। देखिए इस कॉलेज जहाँ पे आप जा रहे हो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हटके है, लेकिन यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जीरो, मतलब यहाँ पे 100% जॉब के चांसेस हैं। और अगर 2-3 महीने अगर आप यहाँ सेट हो गए, क्योंकि मेरे यहाँ पे तकरीबन 25-30 बच्चे पढ़ रहे हैं, सबकी तरफ से पॉजिटिव आउटकम है। हर एक बच्चा शुरू में जाके तो थोड़ा सा डेफिनेटली थोड़ा सा हर कहीं भी आप चले जाओ कहीं भी परेशान हो तो रहोगे, हाँ। लेकिन इसका पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम। आप जाओगे 2 महीने अगर आप यहाँ सेट हो जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद। चल राहुल जी शुक्रिया। साथ साथ अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? हेलो। हेलो हाँ जी, जी सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हैं? मोहन लाल शर्मा बोल रहे हैं जी, मोगे तो। जी स्वागत है तुम्हारा, थैंक यू। जी क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं स्कूलिंग वीजे के लिए पूछना चाहता था। किस कंट्री का? कनेडा जी। जी पूछिए, क्या पूछते हैं? बेटी है मेरी 10th में पढ़ रही है, ओके उसके लिए पूछना चाहता हूँ। मैं स्कूलिंग के लिए वहाँ कनाडा में स्टडी कराना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए, जो आप इनके फादर हैं क्या हैं, मैं ग्रैंडफादर हूँ इसका। इनके इनके फादर क्या करते हैं? फादर ट्रांसपोर्ट का काम है, बच्चों का। बसों का। कितनी इनकम कितनी है, मंथली इनकम कितनी है? मंथली इनकम है कोई 3-4 लाख रुपया। 3-4 लाख रुपए की आईटीआर भरते हो, तो सालाना 36 लाख रुपए की आईटीआर भरते हो। मोदी सुन रहा है, ध्यान रखना। भरेंगे भी, भरेंगे सब कुछ करेंगे। देखिए देखिए सर, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर ये बच्चा 12th के बाद आता तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर स्कूलिंग वीजा के लिए जाते हैं, और भी कोई पेरेंट सुन रहा हो तो ध्यान से सुनना इस बात को, स्कूलिंग वीजा का सक्सेस रेट बहुत कम है, 30-40% रहता है। रीजन बिहाइंड दिस, एम्बेसी को ये पता है कि अंडर 18 बच्चा जा रहा है, पेरेंट्स साथ जाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट के साथ साथ जो पेरेंट्स या गार्डियन साथ जा रहे हैं उसकी इंटेंशन एम्बेसी जानना चाहती है। तो इंटेंशन में वही ये देखना चाहते हैं कि आपके पास फंडिंग कितनी सॉलिड है, मतलब आपके पास पैसे कितने पुराने हैं। अगर आपने करंट का पैसा डाल दिया तो एम्बेसी समझ जाएगी आपने जुगाड़ किया है एम्बेसी वीजा लेने के लिए। सेकेंडली आपकी सोशल टाइप्स कितने हैं, सोशल टाइप्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आपकी रीपे कैपेसिटी कितनी है, मीन्स लाइक आप किस जॉब पे हो, किस प्रोफाइल पे हो, और आप कितने की आईटीआर भरते हो, आप बिजनेस करते हो तो किस टाइप का बिजनेस करते हो, आपकी टर्नओवर कितनी है और सालाना आईटीआर कितने की भरते हो, और आपके पास प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और इसके अलावा फैमिली में और कितने बच्चे हैं, मतलब सिर्फ मिसेज सिर्फ पापा कमाते हैं, उसकी मम्मी भी कुछ कमाती है नहीं कमाती है, तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी तभी एक बच्चे का वीज़ा लगता है, खासकर स्कूलिंग के लिए। तो अगर आपके पास आईटीआर सॉलिड है, आपकी मतलब स्टूडेंट की मदर भी ठीक ठाक कोई काम कर रही है, तो चांसेस पूरे हैं। अदरवाइज होता क्या है, सपोज करो यहाँ पे नया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चा जा रहा है, जैसे इन्होंने बताया कि भाई पापा अच्छी इनकम कमा रहे हैं, और इधर से बच्चे का स्कूलिंग वीजा हम अप्लाई करते हैं, साथ साथ में फादर अप्लाई कर दिया, फादर का भी, तो एम्बेसी कहेगी भाई तू तो खुद जा रहा है, ठीक है, पीछे तो कोई है नहीं कमाने वाला, बिल्कुल ठीक है। तो ये इंटेंशन देखी जाती है, पेरेंट्स की इंटेंशन क्या है, और सक्सेस रेट बहुत कम है इसका स्कूलिंग वीजा का, फिर भी एक्सेप्शनल 30-40% वीजे आते हैं, लेकिन वो एक सॉलिड प्रोफाइल पे आते हैं। लेकिन गार्जियंस में से अगर एक जना यहीं रहता हो और एक जना वहां जाता हो तब जाके ये बात बन पाती है। तो देखना यही है कि जो जा रहा है अगर वो मतलब वो जा रहा है तो पीछे कमाई क्या पीछे है, कमाई क्या पहली है? बात। दूसरी बात, बच्चा जा रहा है पीछे कितने, 3-4 बच्चे और कितने हैं अगले के, ठीक है, पैसा बैंक बैलेंस पीछे कितना है, फैमिली मेंबर्स आईटीआर कितने कितने की है, हैं, एनुअल इनकम कितनी है, तो हर एक चीज देखी जाएगी तब एम्बेसी वीजा देती है, खासकर स्कूलिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मोहनलाल जी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैं कल जलंधर हूँ, अगर आप मिलना चाहें तो वहां पे ये प्लीज मैं डिटेल में आपको बता पाऊंगा। कल आप अम्बाला हैं? सॉरी सॉरी परसों, मैं कल अम्बाला हूँ, परसों जी।
नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए, स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? मैम शैलेंद्र सिंह स्पीकिंग। शैलेंद्र जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं बठिंडा से बोल रहा हूँ। जी स्वागत है तुम्हारा, प्रश्न पूछो। हाँ जी मैम, मैं पूछना चाहूंगा कि अभी जेडे हेलो। हाँ जी जी जी, रूल चेंज किए अपने हुन गवर्नमेंट ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने। शैलेंद्र जी आपकी जो वॉइस है हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, डिस्ट्रैक्शन आ रही है बीच में। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने रूल चेंज किए हुए हैं ना? कौन से रूल चेंज हुए सर, किस चीज के? जो LMR के पॉइंट्स है वो काट दिए हैं। नहीं आपका मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं आप, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आपका? एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर, यहाँ पे मेरे को किसी ने बोला था, किसी एजेंट ने, कि मैं आपका वर्क वीजा लगवाता हूँ। वर्क वीजा? यस, फ्रॉम कनाडा। ओके, एज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। ठीक है, तब मेरे को मिल रही थे LMR के 600 पॉइंट्स। देखिए बॉस एक तो चलो चलो आप क्वेश्चन करो पहले। अब वो मेरे को शायद ये रूमर हो जाए, ये मेरे को नहीं पता, मेरे को बोल रहे हैं पैकेज जो है 100 पॉइंट से अब वो सिर्फ 50 पॉइंट रह गए हैं। चलो देखो मैंने आपकी बात सुन ली और मैं आपसे भी और भी पेरेंट्स या कोई जो भी पर्टिकुलर पर्सन मुझे सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मतलब वर्क वीजा की बातें ना करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं वर्क वीजा के लिए ऑथराइज हूँ ही नहीं, मैं सिर्फ एंड सिर्फ स्टूडेंट वीजा के लिए ऑथराइज हूँ। हाँ। मैं डील नहीं करता हूँ। दूसरी बात भाई साहब, सबसे ज्यादा फ्रॉड वर्क वीजा में होता है, रिक्वेस्ट है कि मत फंसो। बिल्कुल, स्टडी वीजा में डील करते हैं, हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, तो जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं तो स्टडी वीजा के रिगार्डिंग आप कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर जोड़ लेते हैं, स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी मैं परमवीर बोल रहा हूँ। करमवीर जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। स्वागत है तुम्हारा, प्रश्न पूछो। मैम मैं 12th में, मेरे 6 महीने आईलेट्स का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, 6 महीने मेरे ओवरऑल 5.5 है। ओके, स्पीकिंग में 6 है। ओके, तो मैंने नॉन मेडिकल में मेरे 52% मार्क्स है। कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? 62%। हाँ जी, तो मैं कनाडा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? क्वालिफिकेशन क्या आपकी? प्लस टू की हुई है। 12th की आपने? कब की आपने सर? इसी ईयर में मैंने क्लियर किए थे, अभी मैंने कॉलेज में एडमिशन ली है। आप मुझे बताओ कि मेजर सब्जेक्ट्स में कितने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में? फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे आए हैं उसमें टोटल 52% मार्क्स सर। टोटल तो ठीक है, टोटल आपने फिजिकल एजुकेशन में 80-90 नंबर ले लिए हो, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछ रहा हूँ, क्योंकि कनाडा में खासकर मेजर सब्जेक्ट्स वैल्यू रखते हैं। आप मुझे ये बताइए फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, मैथ में कितने? सर मेरे फिजिक्स में 51 मार्क्स है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 49 है। दोबारा बोलना सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। फिजिक्स में कितने आपके सर? फिजिक्स में 51 है। 51, केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री में 49 है, और मैथ में? मैथ में भी 49 है। देखो ना अब निकल के आई ना स्टोरी, वो बिलो 50 है आपके मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स में। हाँ जी, हाँ जी। तो ओवरऑल तो आप 62 बता रहे हो, वही बात हुई ना आपने इंग्लिश में या अपना क्या नाम बताया सर? मैंने 51 बताया। सॉरी हमें 62 सुन रहे थे। देखिए सर, प्रोफाइल वास्तव में वीक है, क्योंकि आपके फिजिक्स में 51 है, केमिस्ट्री में 49 है, मैथ में 49 है। आपका एडमिशन सारे कॉलेजेस नहीं लेंगे, ध्यान से सुनना, सारे कॉलेजेस एडमिशन आपको नहीं देंगे, एक आध सिलेक्टेड कॉलेज एडमिशन दे सकता है, अगर कहीं मिलता है तो। रिक्वेस्ट आपसे है जितना जल्दी फाइल लगाओगे चांस ले लो, अदरवाइज इम्प्रूवमेंट भर लो, मेरी सलाह मानो तो इम्प्रूवमेंट भरो, नेक्स्ट ईयर आपकी इम्प्रूवमेंट कम्प्लीट हो जाएगी, अगले 2017 में यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन, 2017 में आपका मार्च में पेपर हो जाएंगे, ट्राई टू गेट 60% एंड अबव, क्योंकि ऐसी जैसे ये आपकी प्रोफाइल है, मेरे घर में भी एक प्रोफाइल है, मैंने भी उसको यही सजेस्ट किया और उसको मैं दोबारा करा रहा हूँ अपना इम्प्रूवमेंट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इम्प्रूवमेंट करो अगर आपने कनाडा जाना है तो प्लीज। बिल्कुल, नेक्स्ट कॉलर जोड़ लेते हैं, स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? हेलो, मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, दोबारा आप जुड़ जाइएगा हमसे, लेकिन साथ साथ बता दूं इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है प्रदीप बालियान जी। अगर आप हमारे एक्सपर्ट के साथ बातचीत करना चाहते हैं, आप आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है उससे आप सीधा संपर्क साथ साथ
सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट के साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ बता दूं कि कल प्रदीप बालियान जी के चंडीगढ़ ऑफिस में लिबर्टी यूनिवर्सिटी जो कि वर्जीनिया में है और कम्युनिटी कॉलेज ऑफ स्पोकन जो कि वाशिंगटन में है, तो ये दोनों यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज जो हैं आ रहे हैं आप सबके लिए एक सेमिनार लेकर। मैं साथ साथ आपको प्रदीप बालियान जी के शेड्यूल के बारे में बता देती हूँ। ट्यूसडे को अम्बाला में है, वेडनेसडे को जालंधर में है और थर्सडे को चंडीगढ़, वहीं फ्राइडे को भी जालंधर में है। तो आप ये चारों दिन जहाँ आसपास में अगर आप हैं तो आप प्रदीप बालियान जी से उनके ऑफिस में जाके विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी, स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? चरणजीत बोल रहा हूँ मैडम। कौन बोल रहे हैं जी? चरणजीत बोल रहा हूँ। चरणजीत जी, जी चरणजीत जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम प्लस टू नॉन मेडिकल, मेरा बेटा प्लस टू नॉन मेडिकल में पढ़ रहा है। ओके। मार्च 2018 में उसकी प्लस टू की होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, आप किस यूनिवर्सिटी को आप सबसे ऊपर मानते हैं और इंजीनियर में कैसे? कहाँ चरणजीत जी, कहाँ की यूनिवर्सिटी को, कौन से कोर्स इंजीनियर लाइन में आप? चरणजीत जी प्लीज आप थोड़ा हाइपर ना हो और आराम से बोलिए। एक तो आराम से बोलिए, एक जो आपकी टीवी का वॉल्यूम है ना उसको थोड़ा सा कम करिए, स्लो बोल के क्वेश्चन पूछिए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। आप कहाँ की यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना चाह रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैडम, आप किस यूनिवर्सिटी कनाडा में, आप किस यूनिवर्सिटी को कनाडा में टॉप में मानते हैं? ओके, आप एक्सपर्ट के साथ ये पूछना चाह रहे हैं, एक्सपर्ट से पूछना है कौन सी यूनिवर्सिटी कनाडा में बेस्ट है। सर हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी वैल्यू है, डिपेंड करता है आप किस वे में बात कर रहे हैं। कनाडा में या यूएसए में या अदर कंट्री में जो भी आप बात करोगे, जो नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री की बात करेंगे तो पैरामीटर्स अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप किस वे में उसको नंबर वन की बात कर रहे हैं, एकेडमिक की बात कर रहे हैं या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए नंबर वन की बात कर रहे हैं, तो हर एक यूनिवर्सिटी यूनिक है। यूनिवर्सिटीज आप जो यूनिवर्सिटी मांगोगे हम वो यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करा देंगे, बशर्ते जो आप नंबर वन की जहाँ की आप बात कर रहे हैं 90% एंड अबव नंबर होने चाहिए। जो आप जैसे टोरंटो जैसी यूनिवर्सिटी अगर आप सुनना चाहते हैं मेरे से तो उसमें 90% एंड अबव नंबर हों और आईएलटीएस में स्कोर बहुत अच्छा हो, साथ में अगर सेट वगैरह कर रखा हो तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज हर एक यूनिवर्सिटी का अपनी वैल्यू है, तो प्लीज़ मतलब मैं यहाँ पर किसी एक यूनिवर्सिटी को टॉप पे दूसरी यूनिवर्सिटी को छोटा नहीं बता सकता, हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी यूनिकनेस है, अपने अलग वैल्यूज अलग होते अलग हैं। वैल्यू रखती है। बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, हाँ जी मैम जी, स्वागत है, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम करण सलवान है, मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ। जी अमृतसर से बोल रहे हैं जी, करण जी मैम मैं ये पूछता हूँ कि मैंने बीकॉम किया 2014 में। ओके। और उसके बाद मैं सीए का कोर्स कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स। मेरी 3 साल की ट्रेनिंग कम्प्लीट हो चुकी है और एग्जाम्स मैंने दी थी, मेरा आने वाला है। ओके। मैं चाहता हूँ कि मैं कनाडा के कोर्स कर सकूँ मास्टर डिग्री में अकाउंटेंसी में, प्रेफरेबली एमएस अकाउंटेंसी। तो उसके रिगार्डिंग में पूछना था कि क्या मैं एलिजिबल हूँ उसके लिए जाने के लिए। श्योर सर, आप एलिजिबल हैं। मेरा एग्जाम है। चलिए देखिए, 2014 से थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ आती है, जैसे आपने सीए के 3 सेमेस्टर क्लियर कर लिए हैं, बीच में आप ड्रॉप कर रहे हैं, ये एक आपका एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट निकलता है अगर एम्बेसी या वीज़ा ऑफिसर के पर्पज से देखा जाए कि भाई आप एक जो आपने कोशिश की है, जो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो एजुकेशन लेना चाह रहे हैं उसको बीच में छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी बात है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं, मास्टर भी कर सकते हैं, और मास्टर करेंगे तो इट विल बी मोर बेटर। आपको मई इनटेक में बहुत कम मिलेंगे, सितंबर इनटेक में सबसे ज़्यादा आपका चांसेस रहेगा क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज सितंबर इनटेक देंगी। तो आप मास्टर्स कर सकते हैं, 6.5 एंड नो लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट है। किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ की बात करे हुए थे वो जीमेट भी मांगती है क्योंकि आप मैनेजमेंट कोर्सेज करने जा रहे हो।
चलिए करण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के यार। लिए। नहीं, हमें कुछ हाँ स्टूडेंट्स के दर्शकों को कुछ आज की डेट में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हम आपस में कोई लेकिन डिस्कशन मैं वो नहीं कर पाए। संक्षेप में जाना चाहूँ क्योंकि जो समय है वो बिल्कुल हाँ बाधित है हमारे लिए। मैं दो तीन बातें बताना चाहूंगा क्योंकि टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, कोई ना कोई वो प्रॉब्लम लेके आते हैं। खासकर दुख आता है कोई अच्छी प्रोफाइल का वीजा रिजेक्ट होता है, वो किसी भी वजह, किसी कंसल्टेंट की कमी के कारण या स्टूडेंट्स की कमी के कारण। तो मैं दो चीजें यहाँ कवर करना चाहूंगा। एक तो कुछ स्टूडेंट्स आए मेरे पास जिनका वीजा रिजेक्ट था क्योंकि उनके कनाडा में कोई ना कोई रिलेटिव बैठा था, ऑफर लेटर मंगा के फीस वहीं से ट्रांसफर कर दी। तो कभी ऐसी गलती ना करना कि आपका रिलेटिव कोई कनाडा में बैठा है, वहां से अगर आप फीस ट्रांसफर कनाडा से कनाडा में करते हो तो वीजा रिजेक्शन के चांसेस हाई रहते हैं क्योंकि एम्बेसी बोलती है कि आपके सोशल टाइप्स वहां पे हैं। ये कभी मत ऐसा करना। सेकंड, जाते जाते ये चीज बोलना चाहूंगा, कुछ स्टूडेंट्स खुद अप्लाई करते हैं, ठीक है आपने अप्लाई कर दिया, बट किसी स्पेशलिस्ट की गाइडेंस जरूर ले लो। कई बार ऐसा होता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन शायद हमें पता है, आपको नहीं पता होता। तो प्लीज ये दो तीन चीजें इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिलहाल वीजा लाइफ में आज के लिए बस इतना है। प्रदीप जी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।